जरा सूट तुम मिलने लगा ना उन्होंने अब्बा हजूर पाते रहे देन लगे ने किसी नु नहीं देना सीना दो जेबा ला अब्बा जी मेरे अज तक लभे ही नहीं डॉक्टर साहब पायल को कुछ नहीं चाहिए ईद के मौके ते मैनूं रजी ने गिफ्ट कीता याद करन दी गल ना कि मैं याद करना है कि वे किड्डा भैड़ा सी मैं तो को मोबाइल मंगे उन्हें दिता ही नहीं इन्हां नूं मैं सारयां नूं वाइट ड्रेस देना तुहाडे लई ब्लैक अस्सलामुअलैकुम वीवर्स कैसे हैं आप उम्मीद रखता हूँ कि आज ईद का पहला दिन है और तमाम देखने वाले चाहने वाले बड़ी खूबसूरत तरीके से ईद मना रहे होंगे और ईद के इस पुरमसरत मौका पर मैं पहुंच गया हूं पाकिस्तान थिएटर की मकबूल तरीन अदाकारा लाखों दिलों की धड़कन पायल चौधरी के पास अस्सलामुअलैकुम पायल वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब पहले तो आपको ईद मुबारक हो खैर मुबारक आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक कैसे गुजर रही है ईद बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है और आपको भी ईद मुबारक और जो मुझे देख रहे हैं मेरे चाहने वाले मेरे फैंस उन सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक हो अच्छा मैं तो आया सा पायल जी तुहानू ईद मिलन वास्ते मैं ईद के मौके पर तुहाडे नाल जरा गपशप करांगे तो ईद के मौके पर इन्ने सारे लोग तुहाडे कोल वेख लो डॉक्टर साहब ईद वाले दिन भी मेरे घर रश है ना अच्छा वादा भी ईद तो असी एक डेट करनी है गाना करना है शूट और कोई गल नहीं ऐसी वैसे अच्छा तो अजे सवाल पूछे ही नहीं एवं फ्री हो रहे मेरे को पूछ रहे ना डॉक्टर साहब एक्चुअली ना मैं ईद देना है ना सारे फनकार जड़े ने किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर ए आए ने पायल दे घर बाहर बैठे सो ना घर दे अगलियां दे नहीं जी मैं ते भाजी ईद देण नहीं आया इन्हां नूं मैं ते इन्हे मेरे नाल वादा कीता सी कि मैं तेन बच्चों लिए कुछ पैसे थोड़े जी दवांगी तो वह मैं वो पैसे ही लैन आया इन्होंने को क्योंकि नामवर फनकारा हैगी है वैसे ताड़ी खुश नसीबी है कि तुसी नहीं नहीं तुसी जो जो लैन आए हो वो तुहानू अज मिल जाएगा क्योंकि डॉक्टर साहब आए लेकिन मनु डॉक्टर साहब पायल को कुछ नहीं चाहिए अच्छा जी मैनू बहा के मंग लेना सिफत है कि हर ईद तो इन्होंने बच्चों फुफिया ने पैसे दते हैं हाँ जी हाँ जी फुफिया ने फुफियां ने हाँ जी अच्छा देखो मेरी गल सुनो फील्ड दे विच जिन्नियां भी लड़कियां ने ना अगर साडा उन्हां दे नाल कोई तलक नहीं तो साडा भैण भरा वाला ही तलक फिर उन्हां दे नाल तुहाडा होएगा मेरा मैं अपनी गल कर रहा जदों टीरे ही नहीं होना किसी नूं वेख के या किसी ने अच्छा साडी फील्ड दीआं कुड़ियां भी बेचारियां एडियां अच्छियां ने वह इस गल तों अग्गे गल ही नहीं करदियां बस इन्ना ही कहिंदियां आप दिल के बहुत अच्छे हैं अग्गे कक्ख नहीं अच्छा मेरी गल सुनो गल पलटो ना ये जड़ी ईद है ना वो मैं तुहाडे कोल लैनी उंज बाकी राशन वगैरह या वो तो एक बाद दा मसला ना वो तुहानू मिलेगा वो तो साडी अपनी खुशी है तुहानू जो देना पर जो मेरा बनदा ना वो मैं माफ नहीं करना वो तो मैं लैना ही लैना क्यों डॉक्टर साहब नहीं वो तो तुसी कड़वा सुट के भी ला लेंदे एक मिनट जी गुजारिश है कि रश बहुत पै गया वीवर्स असी तो सिर्फ कल्ली पायल चौरी साहब नाल गपशप लानी सी एक सुपरस्टार ने असी किया ईद आले दिन उन्होंने चाहण आले उन्होंने वेखण आले जिहड़े ने जी वो साडी गपशप सुनन तो बड़ी खुशी की गल है कि इत्थे मजीद सुपरस्टार्स मौजूद ने साडे हामिद रंगीला साहब मौजूद ने हुणे चार महीने दुबई ला के आए ने दुबई चार महीने ला के तो फिर आके मंग रहे ने अगों देखो ना डॉक्टर साहब एक चेंज आ गया साड़ी फील्ड च के सारे इकट्ठे हो गए मैंने ईद देने आए ने ते फर्स्ट टाइम चेंज आया पक्का कर रही है सारे हाँ। पक्का कर रही है सारे मेरे लिए रजी साहब तुहानू पता की लेके आए ने की लेके आए हैं हां ए जड़ा मोबाइल ए मोबाइल तुहाडे वास्ते लेके आए ने अगला
रजी खान ने मोबाइल गिफ्ट कर दी रहांगी तानू के ईद दे मौके ते मैनु रजी ने गिफ्ट कीता ते याद करन दी गल है ना के मैं याद आंदा रहवां दाओ जरा एक मिनट दाओ ऐ पढ़ो ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਫਤਰਾਨਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਗਿਫਟ अली अकबर साहब ने साडे बड़े बेहतरीन फनकार सारी दुनिया जानदी है अकील हैदर साडा सुपर स्टार ईद मुबारक भी तक हो ना ईद मुबारक आसिफ सारिया का कह लेना कदों मैं फालज हो जाता आसिफ बारा साहब साढ़े थिएटर का बड़ा नाम नाल सजाद कमाल साहब साढ़े सीनियर मोस्ट एक्टर ने और रजी खान साहब साढ़े प्रोग्राम दे विच भी फोन दे उते किसी नू मैसेज कर रहे हैं जवाब भी दे रहे हैं कि आ रहा वा मैं क्योंकि रात चांद रात इन्होंने जिथे मनानी सी उत्थे गए ने तो उत्थे कोई होर मना रहा सी हुण फोन कट के बैठे ने ते उहदे वॉइस मैसेज तो कह रहा हूँ नहीं आना मैं ते चले जाना है तो मैं सोच रही कि मोबाइल क्यों नहीं दिता ए मतलब फोन ते शैकी नहीं अपना शैकी ड्रेस मास्टर शैकी भाई ये उन्होंने फोन से उन्होंने बुटीक से अच्छ जरा पार्टी वगैरह पहला दिन ईद का तो वह मैं पूछ रहे सन कितने मैं रस्ते ची हाँ वैसे ही बेच पाया है रजी तेरे तो मैं बचपन तो वाकफ हूँ जिन्हे जिन्हे सूट लेना अपना ना दस हाथ खड़ा करे अपना अपना ना दसो भी हाथ खड़ा उंगल खड़ी कर ली सिर्फ कच्छा चाहिए मेरे दिल दे हाल नहीं पुछ रहे वेखो सारे ने अपनी तेरे दिल दा हाल समझ गया बेटा तू कच्छा मांग रहा थोड़ी देर बाद तू झाड़ू भी नाल नवा मंगना है पित्तल दा कड़ा लगा होना चाहिए उस्ताद जी वेखो ये तो हो गई एक तुहाडी जोली गुफ्तगु जोली नहीं हकीकत है जोली गुफ्तगु कड़ी तुहाडी शक्ल तो ही लग रहा है अज भी तुसी ईद नहीं लैके तां मतलब तुसी अज भी अपना कारोबार ही करन आए गटर कढ़न आए साडा मोबाइल जी ने देना है ना ये तुसी अगली ईद तक लभना है कि देना कदों नहीं एक मिनट यार उन्होंने एडे सारे गिफ्टां दा ऐलान कीता है भी एक एक सूट उन्होंने कहा मेरी तरफों ते चाहिए उस्ताद जी एक मिनट जिन्हें चाहिए ना उन्होंने तो ले लैन दे तेरी मेहरबानी लो इन्हें मैं सारे वाइट ड्रेस देना तुहाडे लई ब्लैक क्योंकि वाइट पा के भी उन्हें ब्लैक ही कर देना वेल डन वेल डन वेल डन अच्छा जी यार तेन मेरी गल सुन छोटी ईद तू पायल नू मिलन आ गया नहीं तो हर वड्डी ईद तू सानू मिलदा नहीं तू इन्ने रोदे इकट्ठे करन जाना यार मजबूरी है डॉक्टर साहब देखो इन्हां नू चाहिए ने सूट दूसरे मैनू पायल जी का सूट चाहिए हाफ टाइम दे गाने वाला ओ क्यों ईद वाले दिन ना मेरी पूरी बरादरी इकट्ठी हुई है उन्होंने मेरा गाना वेखना तो उन्होंने शर्त है कि पायल का सूट पा के तू करना जुत्ती नहीं मैं मांगना इन्हां जो डिमांड हैगी कि दियो दा मुजरा वेखना बंदे तो सारे मजे च होने ने उन्होंने तो तेन पायल ही समझ लेना फिर गैटअप भी करो सारा मेकअप पूरा गैटअप माशाल्लाह
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਖਲੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਇਲ ਕਰਦੀ ਆ ਡਸ 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 ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਟ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਪਵਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਵੀ ਹੁਮਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਘੁੰਡ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਾਇਲ ਕਸਮ ਝੂਟੀ ਚੁੱਕ ਬੈਠੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ? ਚੋਲੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਚੋਲੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਲੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝਦੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾਕਈ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਇੱਕ ਗਿਫਟ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਨਸੀਬਾਂ ਲਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਜੇਬਾਂ ਲੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੀਲੀਆਂ ਸ਼ਲਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਬਈਓ ਦੁਬਈਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਅਰਤੁਗਰੁਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਬਈਓ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਬਈਓ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਚਲੋ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੁਬਈ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈਓ ਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਕੂਵੇਂ ਕੋ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੇਕਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 18-18, 19-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਈ ਜਿੰਨੀ ਐਤਕੀ ਪਈ। ਐਤਕੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਕਿ ਮਰਾਸੀ ਦੁਬਈ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਣੇ ਵੀ ਕੁੰਗੜ ਗਏ ਸੀ। ਹਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪਈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ 'ਚ ਵੀ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਇਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਓ? ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰ, ਈਦ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੱਫੀਆਂ ਜੁੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਲੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਪਾ ਜੱਫੀ ਉੱਠ। ਓਏ ਅਸਲਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰਾਦ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਇਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਗਾਣਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਡਾਂਸ ਜੋ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਗਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਸੂਟ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕੀ ਲੈਦਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਸੂਟ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਕੀਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਕੀਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਿੰਗਰ। ਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲੈਪ ਕਰੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਾਂ ਪਾਇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਅਕੀਲ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਘੁੰਮਾਈਆ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਾਇੰਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲ, ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਨਹਾ, ਤਨਹਾ ਹਰ ਪਲ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਜਾਨੇ ਗਜ਼ਲ, ਜਾਨ
जाने गजल जाने गजल चल चल मेरे संग चल। लीजिए व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। ईद का पहला दिन आपने देखा कि फ़नकार ईद किस तरह एक दूसरे के साथ मनाते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक होते हैं और ख़ुशी गमी दोनों हालात में जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये सिर्फ हंसते और हंसाते हैं। आप तमाम लोगों को मेरी तमाम टीम की तरफ से फिर एक मरतबा बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और कल ईद का दूसरा दिन होगा, इंशाल्लाह दोबारा किसी बड़े फ़नकार के साथ आपकी मुलाकात कराई जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।